आज का क्वेश्चन है छठा और एक्सरसाइज है 7.4 और क्लास है हमारी 9th। तो क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो इस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब सबसे छोटा है। ये है हमारा क्वेश्चन। मतलब इन्होंने कहा एक कोई दिया हुआ बिंदु है, ठीक है, फिर इन्होंने एक रेखा दे दी है, कोई भी रेखा। इन्होंने कहा है कि हमारी एक रेखा है, ठीक है, ये रेखा जो है ये उन्होंने दे दी है। मान लिया ये बिंदु जो है वो है हमारा ए और ये बिंदु है हमारा बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु से सभी बिंदुओं का हम मिलाएंगे। मतलब इस पे हमने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से कुछ मान लिए हैं। ये मान लो सी है, ये हमारा डी है, ये हमारा ई है, ये हमारा एफ है। इस तरीके से हमने इतने बिंदु जो हैं वो हमने इस पे मान लिए हैं। तो सभी को हम मिलाकर देखेंगे। हमने इसको मिलाया, ठीक है, सी तक मिलाया, फिर हमने डी तक मिला दिया इसको, ठीक है, फिर हमने इसी को ई तक मिलाया, फिर हमने F तक मिला दिया। इस तरीके से हमने हम मिला दिया है इस जो हमारी रेखा हमारी BF बनी जाके, ठीक है, ये हमारी रेखा जो है BF बनी जाके हमने इस बिंदु से सभी को मिला दिया। अब इन्होंने कहा है ये जो हमारा लंब बनता है, ये हमारी सब लंब मान ली, A को हमने C तक, A को हमने B तक मिलाया तो हमारा लंब बना। अब ये इन्होंने कहा है कि ये जो है ये जो हमारी लंब रेखा जो बनती है वो हमारी सबसे छोटी होती है, तो इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। तो भाई कैसे करेंगे प्रूफ, तो चलिए भाई लिखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो हम बात करने वाले हैं त्रिभुज ABC की बात करने वाले हैं, ठीक है, ओ जस मत करो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में भाई अगर ये 90 है तो बाकी ये दोनों कोण जो हैं वो हमारे 90 से छोटे ही होंगे, क्योंकि 90 और 90 हमारा 180 होता है और 180 ही एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तीन कोणों में से 90 तो निकल गया, बचा हमारा 90 इन दोनों कोणों का योग होगा। मतलब ये दोनों कोण जो हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारे 90 से छोटे होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो यहाँ पे हमारा जो कोण बी है जो कितने का है, कोण बी को हम लिख सकते हैं 90 अंश, ठीक है। कोण बी जो है वो हमारे किसके बराबर है, 90 अंश के बराबर है, ठीक है, ये बात हमको दी है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो और हम यहाँ पे क्या देखते हैं भाई, एक कोण तो हमारा 90 अंश का हो गया, तो बाकी के दो कोण जो हमारे कितने के हो जाएंगे, 90 अंश से कम हो जाएंगे, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 अंश, ठीक है। 180 में से 90 जो है इस कोण ने ले लिया, तो बचा क्या है, 90 बचा, 90 जो है वो इन दोनों कोणों का योग है, ठीक है, 90 जो है इन दोनों कोणों का योग है, ठीक है। इसलिए मतलब ये दोनों कोण जो है वो हमारे 90 से कम ही होंगे, ठीक है, इनका मान 90 से कम होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण बी जो है वो हमारा बड़ा है किससे, कोण BAC, ये जो हमारा कोण है कोण BAC से, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हमारा कोण बी है ये हमारा बड़ा है कोण ACB, मतलब इस वाले कोण से हम यहाँ पे लिख देंगे ACB। अब ये चीज़ जो है वो हमने कैसे लिखी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसी चीज़ से ये चीज़ जो है वो हमने लिख दी। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, ये है, ठीक है, समीकरण 1 हमारी ये है। तो कोण बी जो है हमारा ये है, अब इसके सामने वाली भुजा हमारी कौन सी है, ये है, कौन सी, AC। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AC। अब हम यहाँ पे ग्रेटर देन लगा था तो ग्रेटर देन हमने लगा दिया। अब यहाँ पे लिखा है BAC, तो BAC हमारा कहाँ है, BAC ये कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी कौन सी हो गई, कोण A के सामने वाली भुजा हो गई हमारी BC, ठीक है। तो इससे हमें क्या दिखा है, इससे हमें दिख रहा है कि AC जो है बड़ा है BC से। मतलब AC जो है वो बड़ा है किससे, BC से, ठीक है। AC जो है वो बड़ा है BC से, मतलब AC भुजा जो है हमारी BC से बड़ी है।
अब हम यहाँ पे चलते हैं समीकरण दो पे, ठीक है, समीकरण दो से, ठीक है। तो समीकरण दो जो है वो हमारी कहाँ है, ये है। तो कोण बी के सामने का हमारी भुजा कौन सी थी, ए सी थी, तो हम यहाँ पे ए सी लिखे दे रहे हैं, ग्रेटर देन का निशान भी लगा दिया। फिर ए सी बी, ए सी बी हमारा कहाँ है, ए सी बी, ये ए सी बी जो है कहाँ है हमारी, ये है। अब इसके सामने का भुजा हमारी कौन सी हो जाएगी, ये वाली भुजा ए बी, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी जो है बड़ी है ए बी से, मतलब ए सी जो है वो ए बी से भी बड़ी है, बी सी से भी बड़ी है, मतलब ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा से भी बड़ी है और इस भुजा से भी बड़ी है। कौन सी भुजा, ये वाली। ऐसे ही हम सबके साथ भी करेंगे तो हमारी ये भुजा जो है वो बड़ी ही आएगी, और सब मतलब ये जब हमारी भुजाएं बड़ी आएंगी तो मतलब ये भुजा अपने आप ही छोटी हो गई, ठीक है। ये हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे तुलना, चाहे तो इसको चार तीन लिख दो, ठीक है, इसको चार कर दो। फिर हम ये जगह है हमारे यहाँ पास, हम यहाँ पे लिख देंगे तीन चार की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर हमारा क्या आया, जब हम तुलना करेंगे तो हमको पता चल रहा है ये ए सी जो है वो हमारा बड़ा है किससे, एक तो हमारा ए बी से भी बड़ा है और ए बी से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, ये तुलना करने पे आ रहा है। मतलब ए सी जो है वो ए बी से भी बड़ा है, बी सी से भी बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसी प्रकार जो हमारा अगली भुजा हमारी क्या है, ए सी के बाद अगली भुजा जो है हमारी वो ए डी है, इसी प्रकार ए डी भी हमारी बड़ी हो जाएगी किससे, ए डी जो है वो हमारी ए बी, ठीक है, ए बी से बड़ी होगी और हमारी बी बी डी से भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार हमारी और भी जो हैं वो हम ए ई के लिए निकाल सकते हैं, ए एफ के लिए निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से हम अपना निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ए बी भुजा या लंब भुजा, आप इन्होंने लंब का यूज किया था क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः किसी बाह्य बिंदु से बना लंब सबसे छोटा होता है, सबसे छोटी भुजा या सबसे छोटा, ठीक है, कुछ भी लिख दो, सबसे छोटी भुजा होती है, ठीक है, इस तरीके से आप लिख दीजिए। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना मत भूलिएगा, और लाइव आना मत भूलिएगा, बहुत सारे बच्चे आते हैं, आप लोग भी आ जाइएगा।